अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेहास किचन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही टेस्टी मीठी सेवई की रेसिपी। इसे हम किवामी या किमामी सेवई भी कहते हैं। बिना दूध से बनने वाली सेवई बनाने में बहुत आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी। शुरू करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। यहाँ पर हमने लिया है 2 से 3 टेबल स्पून घी और उसमें हम चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने बादाम और काजू यूज किया है। आप अपने पसंद के जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं आप ऐड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को हमें घी में हल्का सा फ्राई कर लेना है। बस 1 से 2 मिनट तक हम घी में ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये फ्राई हो चुके हैं, इसे हम निकाल कर अलग रख लेंगे। उसी घी में हमें सेवई भूनना है। यहाँ पर मैंने 150 या 150 ग्राम सेवई लिया है और इसे हमें भी भून लेना है। यहाँ पर मैंने सारी सेवई डाल दिया है। सेवई को हमने हाथों से हल्के से क्रश कर लिया था। इसे हमें अच्छे से मिक्स करते हुए भूनना है। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। मेरी सेवई जो है वो ऑलरेडी भुनी हुई थी। मार्केट में भुनी हुई सेवई आसानी से मिल जाती है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है। इसे भी हम निकाल कर अलग रख लेंगे। अब उसी पतीली में हम 1 टेबलस्पून घी डालेंगे, 1/2 कप पानी डालेंगे, 1/3 कप शक्कर डालेंगे और 1 चुटकी नमक। चुटकी नमक हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि आप कोई भी मीठी चीज बनाए उसमें 1 चुटकी नमक डाल दे, उससे उसका टेस्ट और भी एनहांस हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। और शक्कर की क्वांटिटी आप थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। हमारी चाशनी रेडी है। इसमें हम भुनी हुई सेवई ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने सारी सेवई डाल दिया है, साथ ही हम फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम हम मीडियम स्लो रखेंगे और इन सारी चीजों को हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर हम अब इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। मैंने 1 से 2 चुटकी इलायची पाउडर डाला है और 1/2 कप पानी डालेंगे क्योंकि मुझे सेवई जो है थोड़ी सी ड्राई लग रही थी, इसलिए हमने 1/2 कप पानी डाल दिया है ताकि सेवई जो है वो अच्छी तरीके से पक जाए और ड्राई भी ना हो। धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए ढक्कन डालकर हमें इसे पका लेना है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया टेक्सचर आया है इसका। हमारी सेवई जो है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसे हम चॉप ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेंगे। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही इजी है। इसे आप जरूर ट्राई करें और कमेंट करें आपको कैसी लगी। मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।